चिड़िया को। देखिए आपके सर पे दीर्घ शंका निपटा के चली गई है। महाज्ञानी तौबा तौबा जी, ये दीर्घ शंका नहीं बल्कि मेरे जासूस की भेजी हुई चिट्ठी है। मूर्ख कहीं का। अरे रे, मुझे लगा आके निपटा लिए। आप फिक्र ना करें बहरानी, नकाब पोश की गर्दन बहुत जल्दी मेरे पंजे में होगी और वो आपके कदमों में। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है तमन्ना, हमेशा अधूरी बात करके निकल जाती है। कम से कम ये तो बताती जाओ कि तुम्हारा धरती पे जासूस है कौन। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है ना भैमार सब कुछ जानने की। थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द उस जासूस से तुम्हारी मुलाकात भी करवाऊंगी। रुको तमन्नासा, मैं तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे इशारे पे नाचना शुरू कर दूं। अगर मेरा साथ चाहिए तो मुझे हर बात बतानी होगी पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने भैराजा। अपनी चींटी जैसी अकल में इतना बड़ा शक का पहाड़ अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, वक्त को थोड़ा वक्त देना सीखो, समझे? हुआ विवान, ऐसी मुरझाई सूरत क्यों बना रखी है तूने? मम्मी, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ और अभी तक गोपू सुतली भी हाइकिंग से नहीं लौटे, वरना उनके साथ खेल लेता। अरे तो देवू है ना, उसके साथ खेल ले। नहीं मामा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे अरे जाओ, नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो देवू? मैं अनन्या का हालचाल पूछने जा रहा हूँ माँ। अब समझी, तो शायर साहब अनन्या को अपनी गजल सुनाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, लेकिन जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। तशरीफ? ओके ठीक है। गजल, शायर, तशरीफ, ये सब क्या है मम्मी? अरे कुछ नहीं, तू टीवी देख। करुणा जी, करुणा बेन, करुणा जी, ओ करुणा बेन। अरे अरे अरे, क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे बच्चे बहुत बड़ी परेशानी में। विवान तो यहीं पे है। विवान, तुम बच के वापस आ गए। मेरा गोपू किधर है? हाँ, और मेरी सुतली, वो ठीक तो है ना? वो तुम्हारे साथ भाग के वापस आए हैं ना? कहाँ है? लेकिन मैं तो हाइकिंग पर गया ही नहीं था, वो मेरी बस छूट गई थी। हे भगवान, इसका मतलब है कि सारे बच्चे वहां फंसे। अरे पूरी बात तो बताओ पद्मिनी, हुआ क्या है आखिर? मैं क्या बताऊं? विजडम स्कूल की बस को आतंकवादियों ने आज हाईजैक कर लिया। सूत्रों से हमें पता चला है कि बस में 20 स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज सुबह ही अपने घरों से हाइकिंग ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज ये घटना होने वाली है। हमारे बच्चे, हे भगवान। माँ की गलतफहमी का फायदा उठाकर मैं घर से बाहर तो निकल गया, अब आराम से उस पहेली को सॉल्व करता।
अरे वाह अनु, नया काम ढूंढ लिया बैठे बैठे, वॉचमैन, नाइस। ओ हेलो। हेलो। तुम बिना टिकट के पिक्चर क्यों देखने आ जाते हो बार बार? नहीं 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 नहीं, मैं केयर दिखाने आता हूँ हर बार। अब वो क्या है ना, मेरी वजह से पैर टूटा है, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा हालचाल पूछते रहना। पूछ लिया हालचाल? अब यहाँ से जाओ मिस्टर जीरो, क्योंकि मुझसे मिलने सुपर हीरो आने वाला है। कौन? नकाबपोश? हाँ, और इसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपना फेस भी दिखाएगा। अरे पर तुम नकाबपोश का चेहरा देखने का इंतजार क्यों कर रही हो? एक काम करो, तुम्हें तो फेस ही देखना है ना, तो मेरा फेस देख लो। लेफ्ट राइट ऊपर चश्मे के साथ बिना चश्मे के मैं हैंडसम दिखता हूँ ना? हाँ, वो तुम टमाटर पर खुद को समझते हो एप्पल। मेरी इतनी घोर इंसल्ट और कर देती अब, पर अभी टाइम नहीं। अब हटो मेरे सामने से, वो आने वाला होगा। मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। क्यों? He dare not. अगर वो नहीं आया तो उसे पता है कि क्या होगा। लड़की तो बिना ब्रेक के स्पोर्ट्स कार जैसी है, एक बार शुरू हो गई तो रोकना इम्पॉसिबल है। ये कोई पंगा ना करते। मिस्ट्री मैन। हाँ, किसी को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना नॉट गुड। ये ब्लैकमेल थोड़ी है, ये तो एक लॉयल फैन का प्यार है तुम्हारे लिए। ओ, तो प्यार के बीच में ये चिंगारी कैसे? हाँ, रिलैक्स मिस्ट्री मैन, मैं तो सिर्फ कैंडल जला रही थी। मतलब तुम कोई भी काम लाइटली नहीं करती? हाँ, एक कैंडल जलाती हूँ बोलकर पूरे रूम में दिवाली कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को फुल लाइट में देखना चाहती हूँ। ओह, पर तुम्हें तो पता ही होगा ना कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे रोड। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। जस्ट से इट। Really? Okay, so, मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या दोस्तों में से किसी एक का फोन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, जो चाहिए सब दे दूंगी, बस पहले तुम अपना मास्क। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। डोंट यू नो गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं? तुम्हारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो।
Darn it. I was this close. अब ये बाहर क्या ड्रामा हो रहा है? करुणा जी, मेरा भी बच्चा नहीं आया अभी तक। आप लोग प्लीज इतना मत घबराइए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, देखिएगा। आपके लिए बोलना बहुत आसान है करुणा बहन, क्योंकि आपका विमान उस बस में नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हम खुद को सिर्फ बातों से तसल्ली कैसे दे करुणा बहन, बताइए ना। छोड़ना बेटा मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत किया करो, अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा, मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी, और जो आतंकवादी अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमारे बच्चों की क्या परवाह करेंगे? 5 साल से हर महीने वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. मेरा बच्चा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। बालवीर बचा लो, बालवीर हमारी फरियाद सुन लो, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर कहाँ हो तुम? हमारी फरियाद सुन लो, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर सुनो, हमारी फरियाद सुनो ना बालवीर, प्लीज हमारी मदद करो। देखिए आप सब हिम्मत रखिए, बालवीर आप सभी के बच्चों को बचाने के लिए निकल चुका होगा। बट मुझे लगता है कि हमें साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। किरपड़ी जी कहाँ है? वो तो अभी शिप से लौटा ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे पुलिस स्टेशन जाकर मिलकर आता हूँ। आप सब हिम्मत रखिए। दिवाली 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 संभालो अपना। अरे कोई पानी लाओ प्लीज। मैं निकलता। मुझे मेरा बोबो चाहिए, मेरा बोबो लौटा दो मुझे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, इन लोगों की बदकिस्मती से बनाने का भाग्य चमकने वाला है। मैं अभी उनको ये शुभ समाचार देकर आता हूँ। वाह, क्या खबर लेकर आए हो तुम? कमर लाने की आदत सी हो गई है। धरती वासियों की पुरानी आदत है आपस में जानवरों की तरह झगड़ने की। इसमें नई या अच्छी खबर क्या है तन्ना सा? ओह राजा, आप खुद तो काल लोक में बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहे और मुझे भराने की थोड़ी सी सराहना क्या मिल गई? जल क्या मारे आपकी हड्डियां गलने लगी क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना। इस भयमार की बात का बुरा मत मानना तौबा तौबा,
अकल का कच्चा है थोड़ा सा। जबान संभाल के तुम नासा। क्या करूं बेमार, तुम बातें ही ऐसी करते हो, जबान संभलती ही नहीं। क्या है ना कि अगर तुम अकल के अंधे ना होते तो तुम समझ जाते कि स्कूल बस का अपहरण हमारे लिए वरदान जैसा है। जरा सोचो बेमार, स्कूल में फंसे बच्चे जब मुसीबत में किसी को पुकारेंगे तो क्या नाम लेंगे? बालवीर। और छोटे बालवीर की मदद करने हमेशा बिन बुलाए बाराती की तरह कौन आता है? नकाबपोश। बिल्कुल सही, देखा अकल वापस आ गई ना? अब तुम जाओ और स्कूल बस के ऊपर नजर रखना, जैसे ही वो नकाबपोश आए तो मुझे तुरंत खबर दे देना। ये बहरानी, ये नकाबपोश तो बिना जाल बिछाए मेरे जाल में फंस गया, अब आएगा मजा।